Every planet has three nakshatras in three different rashis. Nakshatra is a part of rashi, as we said. And now we are seeing Jupiter nakshatras today. Jupiter nakshatra lies in Gemini, three padas in Gemini, 20 to 30 degree. And then the first pada of Cancer, 0 to 320. Just like that, in Libra, 20 to 30 degree, and Scorpio, 0 to 320. Here it is repeated, actually, Gemini is not there. One spelling mistake is there. Okay, we will correct afterwards. Last, in the last, it is Aquarius and Pisces. Spelling mistake, Ajara. Yeah, this here Aquarius is there, and here Pisces will be there. So three nakshatras are there. We will start with Punarvasu nakshatra, which is in Gemini, three padas and Cancer one. मतलब मिथुन राशि में उसके तीन पद आते हैं नक्षत्र के 20 to 30 डिग्री और कर्क राशि में एक पद आता है उसका 0 to 320 डिग्री. जुपिटर, ये जुपिटर का इट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र. इट इज कंसिडर्ड बहुत ही शुभ माना जाता है, देवगणी नक्षत्र है. और इस नक्षत्र में जो शब्द है कि पुनर मीन्स री, मेनी कोई भी स्थिति का पुनर्निर्माण होना, पुनर्वसन होना, पुनर्स्थापना होना, फिर से उसको पुनर कहा जाता है. और वसु, वसु इज एनलाइटमेंट. वसु यह 12 आदित्य से एक बहुत ही शुभ ऐसी देवता मानी जाती है जो कि प्रकाश स्वरूप है. तो इन नक्षत्र का जब अभी एक स्टोरी में छोटी सी सुनाऊंगा आपको कि एक बार देव और दानवों में बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और इस घनघोर युद्ध में देव मतलब जो ईश्वर है, गॉड है, डाइटीज है, वो राक्षसों से हार गए. और वो राक्षसों से युद्ध हारने के बाद में उनको स्वर्ग सब को छोड़कर भागना पड़ा. तो अभी ये सब होने के बाद में फिर उन्होंने सोचा कि हम अब क्या करें, कैसे हमारा राज्य फिर से प्राप्त करेंगे. तो उन्हें ब्रह्मा जी ने एक बात बताई. उन्होंने कहा कि आप ये पुनर्वसु नक्षत्र जहां बसता है उस जगह जाकर यज्ञ करो और यह यज्ञ करने के बाद में आपका पुनर्वसन हो जाएगा, फिर से आपका जो हरा हुआ राज्य है वो आप जीत लोगे. और यह सुनने के बाद में उन्होंने इस पुनर्वसु नक्षत्र के उस पैन में यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद में फिर से राक्षसों पर विजय प्राप्त की और अपना स्वर्ग का जो राज्य है वह जीत लिया था. तभी से इसको पुनर्वसन करने वाला पुनर्वसु नक्षत्र ऐसे कहा जाता है. सो जो भी चीजें है, ये जो नक्षत्र है इसमें एक्चुअली दो बहुत एकदम तेजस्वी ऐसे स्टार्स है, एक कार्टर नाम का स्टार है और दूसरा पोलस नाम का एक स्टार है. ये दोनों जो स्टार है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पुनर्वसु नक्षत्र. और ये दोनों दोनों स्टार आप इस नक्षत्र को बहुत बड़ी पावर ये दिलाते हैं. इस नक्षत्र की जो विशेषता है कि इस नक्षत्र का जन्म पाने वाले लोगों को हमेशा दो ऑप्शंस होते ही है, मतलब इनको मृत्यु भी डायरेक्ट आती नहीं है. तो पहले ऑप्शन देती है कि पहले एक बार समझो मृत्यु जैसा उनका कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर से वो जीवित हो जाएंगे और फिर से जीवन मिलने लगेंगे. ऐसा बहुत बार पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के बारे में हुआ है. हमारे एक मुंबई के बहुत बड़े एक डॉक्टर थे और वो जब हमारे पास एक बार आए थे तो मैंने देखा कि उनका पुनर्वसु नक्षत्र में लग्न जन्म हुआ है. लग्न नक्षत्र ही पुनर्वसु है और उसमें कुछ प्लैनेट्स भी थे. तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, क्या आप कभी डेड घोषित हुए थे क्या?
फिर डॉक्टर ने आपको डेड घोषित किया और फिर से 4 मिनट के या 3.5 मिनट के अंदर आप फिर से जीवित हो गए। सो ही वाज सो सरप्राइज्ड, और उन्होंने वो जगह से उठ गए। तो बोले सर आपको कैसे पता? मैंने कहा सर आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो आपको 2 चांस मिलने ही वाले हैं। तो उन्होंने फिर उनके बाद जिंदगी के बारे में बताया कि उनको व्हेन ही हैड मेजर कार्डियक अटैक इन मुंबई, सो ही वाज एडमिटेड एंड आफ्टर सम टाइम डिक्लेयर डेड। और फिर सब रोने धोने लगे, फोन करने लगे इधर उधर ये, और 4 मिनट के बाद में ही अगेन उनका जो कंप्यूटर पे जो लाइफ लाइन होती है वह शुरू हो गई। तो ये तो एक बड़े बहुत बड़े डॉक्टर डॉक्टर मोहंती करके उनका एक वाकिया है, एक किस्सा है। तो ऐसे होता है इन लोगों के साथ में कि इनको हमेशा दो मौके मिलते हैं, टू ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो इनको कभी भी अपने लाइफ में डरना नहीं चाहिए। इनको कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, उससे वह ठीक होकर फिर से एक नया नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह शक्ति उनको यह नक्षत्र और वो जो पॉलक्स और कार्टर नाम के फिशस्टार्स है वो देते हैं। तो इनके लाइफ में कभी अगर बहुत बैड पैच आ गया, या समझो बहुत कोई बड़े डिसीजेस हो गए, क्रोनिक डिसीजेस हो गए, तो भी इनको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इनका रीइंस्टेशन 100% होने वाला है, ऐसा ही होते चला आ रहा है। तो यह इस नक्षत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। और ये लोग जो है दे आर वेरी रिलीजियस और दे आर वाइज पीपल और प्यूरिटी ऑफ माइंड होती है, शुद्ध मन के होते हैं और तत्वज्ञानी होते हैं, परंपराओं का आदर करने वाले होते हैं, हमारी जो उच्च संस्कृति है उसका पालन करने वाले होते हैं। सो दे आर गुरु टीचर और आइडियलिस्टिक पर्सनालिटीज, जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी है, उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, तो वो एक आदर्श व्यक्तिमत्व थे, एक आदर्श गुरु थे, और उन्होंने अपने राज्य का मतलब आज भी जो राज्य कारभार का नाम अगर लिया जाता है तो वो उनके नाम लेकर ही लिया जाता है कि आपके यहाँ राम राज्य है। मतलब तो इतना आइडियलिस्टिक था वो। तो पुनर्वसु नक्षत्र मतलब उनके जिंदगी से भी हम जोड़कर देख सकते हैं कि उनको वो मिलते मिलते पहले ही अटेम्प्ट में मिला नहीं, राज्यपद जो था वो मिला नहीं, तो उनको पहले कहाँ जाना पड़ा, वनवास में जाना पड़ा। वहां पर वनवास में भी कितने कष्ट झेलने पड़े, फिर रावण का वध करने के बाद में फिर क्या हो गया कि वह फिर वापस लौट आए और फिर उन्हें वो राजपद फिर से मिला। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहली बार जो चीजें उनको मिलते मिलते रह गई है वो बाद में आके जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। यही इस ये नक्षत्र हमें समझाता है। सो देयर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट। उनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हमें हमेशा देखने को मिलता है, और उनके उनमें जो ड्यूअलिटी है दैट इंटरप्लेस बिटवीन द ऑपोजिट्स, ऑपोजिटली काम करते हैं कभी कभी, दे आर कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल गुडनेस। बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत भले लोग होते हैं, इनके मन में कोई ऐसे वैसे पापी विचार कभी आते नहीं है, एंड वो हमेशा अपने परंपराओं के प्रति और मॉरल्स इथिक्स वैल्यूज इसके प्रति जागृत रहते हैं और वैसे जीने का प्रयास करते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता है वह है आदिति। आदिति यह 12 आदित्य की माँ है, मदर थी, मतलब देवताओं की माता यह आदिति है, और उसकी बहन थी जिसको दीति नाम से कहा जाता है, वह राक्षसों की माता थी, और ये दोनों सगी बहनें थी। ऐसी भी पुराण में एक कथा हमको सुनने को मिलती है। तो देवर टोटली ऑपोजिट टू इच अदर, उनके जो नेचर थे वो टोटली ऑपोजिट थे। तो ये जो आदिति है वह जो देवताओं की माता है वह स्काई एलिमेंट से ताल्लुक रखती है, स्काई गॉडेस उसको कहा जाता है।
आकाश की माता, आकाश जननी, आकाश तत्व को पाने वाली। सो शी रिलेट्स टू द ऑल स्पेस एंड टाइम ऑल्सो। अभी ये जो नक्षत्र है ये हमेशा हार्मोनियस है, एकदम शांति रखने वाला है, ये झगड़ा करने वाला नक्षत्र नहीं है, ये स्टेबल है। और इसके लिए क्या होता है कि खाली इनमें जो खामियां कौन सी है, सो दे लैक द फोरसाइट लॉन्ग विजन, इनके पास लॉन्ग विजन होती नहीं है। और इनका जो ओरिएंटेशन है वो भी ठीक तरह से ना होने के कारण ये जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं, बशर्ते इनको दूसरों का अच्छा सपोर्ट मिले। अगर सपोर्ट मिलेगा तो ये अच्छा आगे प्रगति करते रहेंगे, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिला तो यह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकते हैं। अभी यहाँ हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये जो नक्षत्र है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि मिथुन राशि के वायु तत्व से कर्क राशि के जल तत्व में आ रहा है वह, तो ये जो बदल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि वायु तत्व से भी ज्यादा गुरु को जल तत्व प्रिय है, इसलिए वो कर्क में 0 डिग्री से 3 20 तक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे हमने प्रभु रामचंद्र जी का एग्जाम्पल बताया, उसी तरह से बिल गेट्स, बहुत बड़े बड़े नाम है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ये भी क्या थे, पुनर्वसु नक्षत्र वाले थे। और ये पुनर्वसु नक्षत्र वालों में और एक बहुत खासियत है कि दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, वो पढ़ पाते हैं डेस्टिनी के कुछ तत्वों को एकदम फास्टली पढ़ पाते हैं। इसके लिए न्यूटन जी भी एस्ट्रोलॉजर थे, ये बहुत जन को पता नहीं है। एंड यू यूज टू से दैट कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट आई एम एस्ट्रोलॉजर टू, बीइंग विद द साइंटिस्ट ऑल्सो। तो इस तरह से फिर बिल गेट्स, हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स ने इन कम्युनिकेशन सेक्टर, इन इंटरनेट एंड इंटरनेट में, आईटी सेक्टर में कितना बड़ा काम किया है, जो कि मिथुन राशि जो है, जेमिनी राशि है, वो कम्युनिकेशन की ही राशि है, उस आईटी सेक्टर की ही राशि है जिसमें बिल गेट्स ने बहुत बड़ा काम किया है। मतलब ये जो पिछला पूरा शतक हम उनके नाम कर सकते हैं, इतना बड़ा काम उन्होंने करके दिखाया है। तो इस तरह से हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इस यहाँ पे समझना चाहिए। और पुनर्वसु नक्षत्र का जो कनेक्शन है, कि रिहैबिलिटेशन है, रिस्टोरिंग है, एनी जो फिर से होगा, अगेन एंड अगेन होगा, तो दैट कम्स इन पुनर्वसु नक्षत्र। दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र ऑल टुगेदर। मतलब गुरु का सबसे शुभ नक्षत्र कौन सा है, तो मिथुन और कर्क राशि में जो आने वाला पुनर्वसु नक्षत्र है, ऐसे कहा जाता है। और इस नक्षत्र पर सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। मतलब आपको किसी अगर घर का भी पुनर्निर्माण कराना है, तो वो घर का पुनर्निर्माण करने के लिए उस घर का भूमि पूजन या जो भी विधि है वो पुनर्वसु नक्षत्र पर किए, तो घर का काम जल्दी हो जाता है, विहित समय में हो जाएगा, एज पर प्लानिंग हो जाएगा। सो मुहूर्त शास्त्र को पुनर्वसु नक्षत्र का अपना एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो मुहूर्त शास्त्र क्यों यूज किया जाता है? अभी कई लोग कहते हैं कि ये मुहूर्त क्यों यूज करना, हमें नहीं करना, मत करो बाबा। तो मुहूर्त क्यों करना है कि हमें हमारी जिंदगी में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कम से कम अड़चने आए, कम से कम हर्डल्स आए, इंटरप्शन आए, इसके लिए मुहूर्त निकालना चाहिए। और दैट मुहूर्त हेल्प्स अस 100%, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमें वह मुहूर्त शास्त्र में भी यूज करते हैं हम, और उसको समझते भी हैं। इस तरह से हम पुनर्वसु नक्षत्र देखा। फिंगर्स, नोज, फिर
जो शोल्डर्स वगैरह है, फिन इसका जो भाग है वह यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर आता है और यह अर्थ तत्व का है, इसलिए इट इज अ वेरी मोटिवेशनल अर्थ नक्षत्र, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं तो उनमें यह पुनर्वसु नक्षत्र होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो कि कम्युनिकेशन करने की वजह से, बोलने की वजह से उनको धन प्राप्ति भी अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद में जुपिटर का जो दूसरा नक्षत्र आता है दैट कम्स इन लिब्रा, यहाँ पे लिब्रा में 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक विशाखा नक्षत्र है, वही विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में भी 0 डिग्री से 3-20 कला तक होता है। यह है विशाखा नक्षत्र। तो भी विशाखा नक्षत्र की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि यह नक्षत्र एक वन पॉइंटेड डिवोशन है, इट्स अ वेरी डेडिकेटेड नक्षत्र एंड गोइंग अलोंग इन द वन डायरेक्शन ओनली, एक ही दिशा लेकर वो चलता रहेगा चलता रहेगा, उसी दिशा में वो बिल्कुल इधर उधर भटकेगा नहीं, इधर उधर ध्यान भी देगा नहीं और उसको आगे चलते हुए चला जाएगा। तो जो भी चीज वह डिसाइड करता है उस और पूरी क्षमता से 100% देकर डेडिकेटली डिवोशन से हो जाता है, यह इस नक्षत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। और दे आर मास्टर्ड टू अचीव देयर गोल्स ऑफ दिस लाइफ टाइम, और वो अपने जो गोल्स हैं वो सेट करते हैं और उन गोल्स को पूरा करने के लिए जिंदगी में भरघोस प्रयास कर पूरी जान लगा देते हैं उसको, स्टार ऑफ पर्पस जिसे कहा जाता है। तो गोल सेटिंग में ये बहुत ही अच्छे होते हैं, सो दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, एम्बिशियस, कॉम्पिटेटिव, वो कॉम्पिटेटिव भी है। अभी इसकी जो देवता है उसका नाम है इंद्राग्नि, मतलब यहाँ दो देवता है, एक इंद्र तो है, इंद्र जो देवताओं का किंग है, राजा है, और फिर अग्नि देवता है, अग्नि विच प्यूरिफाइज एनीथिंग। तो ये ऐसे दोनों देवताओं का जो सम्मिश्र ऐसा एक मिश्रण है वो यहाँ इनके स्वभाव में, नेचर में, पर्सनालिटी में देखा जा सकता है। तो दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड ऑलवेज ट्राइंग टू फुलफिल देयर गोल्स इन दिस लाइफ बाय देयर फुलफिलमेंट ऑफ एक्शन, एक्शन लेके काम करने वाले, एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति इस नक्षत्र में आते हैं। वो रिलीजियस माइंडेड है लेकिन उनका जो धार्मिकता है, उनकी जो आध्यात्मिकता है वो भगवान से कुछ पाने के लिए है, तो दे कैन बी दे मे बी मटेरियलिस्टिक ऑल्सो, एक भौतिक अधिभौतिकवादी भी हो सकते हैं। सो दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द अकॉम्प्लिशमेंट्स, तो उनकी जो ध्येय या धोरण होते हैं वो बहुत बड़े उच्च होते हैं, इसके लिए जो उन्हें मिलता है उसमें कभी वो सुख नहीं मानते, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। और विशाखा, विशाखा का मतलब ही क्या होता है कि शाखा, ये एक जस्ट लाइक अ क्रीपर, तो कोई भी शाखा का विस्तार करना है तो उसको क्या चाहिए, एक्सटेम चाहिए, एक आधार चाहिए, अगर वो आधार नहीं रहेगा तो इनका विस्तार होता नहीं है। सो दे नीड्स अ वेरी सॉलिड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेम टू ग्रो इन देयर लाइफ, नहीं तो इसके लिए उनको दूसरों के ऊपर यश मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। अभी यहाँ स्टोरी ऑफ राधा और कृष्ण जो कि भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है अध्यात्म शास्त्र में,
कि राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था, जो भक्ति थी, वो एक शुद्ध ऐसी भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप था। एंड देवर सो मतलब जो डिवोशन से राधा ने कृष्णा पर प्रेम किया, वो डिवोशन, वो डेडिकेशन शायद ही कहीं और देखने को मिला हो। मतलब बाद में जाके मीरा, संत मीराबाई, इनका भी नाम बहुत बड़े भक्त के ऊपर, कृष्ण भक्त के ऊपर उभरा है। तो लेकिन राधा और कृष्ण की जो भक्ति थी, जो प्रेम था, वह एक अमर कथा के रूप में हमारे अध्यात्म में अभी भी बसा हुआ है। तो ये विशाखा नक्षत्र की स्टोरी वहां पर है कि राधा जी विशाखा नक्षत्र की थी, ऐसे कहा जाता है। तो विच आर द फेमस पर्सनैलिटीज हियर? एक तो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक महान सम्राट था। उसके बाद में मार्गारेट थैचर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। उसके बाद में नेल्सन मंडेला। पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए 27 साल वो जेल में थे। सोचो, मतलब उन्हें कितनी बार कहा गया कि आप लिख के दे दो हमें कि हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसा लिख के दो हम आपको छोड़ देते हैं। तो भी ये व्यक्ति ने वो जो उनका कहा था वो माना नहीं और 27 साल वो जेल में रहे। और फिर जाके जब बाहर आए तो लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, प्रसिद्ध हो गए कि वो साउथ अफ्रीका के अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये सभी जो व्यक्ति है वो अपने एक ध्येय को आगे रखकर चलने वाले विशाखा नक्षत्र के लोग हैं, जिन्होंने अपने गोल को कभी अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिया, हमेशा अपने सामने रखा और सालों साल उस पर मेहनत की, उस पर विचार किया, उस पर चिंतन किया, मनन किया और आखिर में उसे पा भी लिया। तो ऐसे होते हैं यह विशाखा नक्षत्र वाले। दे आर बैलेंस माइंडेड इन द लिब्रा, लेकिन जैसे ही वो वृश्चिक में आते हैं तो सीक्रेसी बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि सीक्रेसी रखने वाली राशि है। तो वृश्चिक राशि का गुरु का नक्षत्र जो है चौथा चरण स्कॉर्पियो में आने वाला, वो इतना बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जाता है, वो थोड़ा सा निगेटिव की तरफ ही जाता है। क्योंकि जुपिटर मतलब क्या है, ज्ञान है, विजडम है, आपके पास जो भी अच्छा है वो जुपिटर है, जो आपको दान करना है, पास में रखना नहीं है, लोगों को देना है, उसी को ही जुपिटर कहते हैं। अगर गुरु ने सोचो कि सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने ही पास रखा, किसी को दिया नहीं, तो दैट विल बी द लाइक अ स्टैग्नेंट वाटर, एक जमा हुआ गंदा पानी की तरह ही वह क्या हो जाएगा, वो नॉलेज भी आउटडेटेड हो जाएगा और उसका कुछ भी फायदा नहीं अगर उसने दिया नहीं तो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम कभी कभी ये स्टैग्नेंसी का, सेचुरेशन का प्रॉब्लम वृश्चिक राशि में हमेशा होता है। तो इट मे बी द सेचुरेशन और स्टैग्नेंसी ऑफ द नॉलेज और स्टैग्नेंसी ऑफ योर इमोशंस, स्टैग्नेंसी ऑफ योर एनीथिंग, डोमिनेंस, एग्रेशन, लाइक वी हैव टू थिंक अबाउट द प्लैनेट्स, जैसे मार्स है या जुपिटर है, मून है, मर्क्यूरी है, सन है। तो वृश्चिक राशि में जो भी प्लैनेट बैठे हैं उसको हमेशा हमें बहुत ही इम्पोर्टेंस देना है। बहुत बार जो क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, डिसीजेस है, तो उसका जो मूल कारण है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अभी ये जो विशाखा नक्षत्र है उसका जो हमने प्लांट देखा, तो उसका प्लांट है नागकेशर या पारिजात, प्राजक्त जिसको संस्कृत में
कहा जाता है। एक बड़ी कथा फेमस है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी, जिसमें एक रुक्मिणी और सत्यभामा थी। और एक बार जब भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग में गए थे, तब उन्हें वो प्राजक्त का प्लांट दिया गया था। उन्होंने वो लाया, तो अभी लाने के बाद में सत्यभामा ने कहा, देखो वो प्लांट रुक्मिणी के उधर नहीं, मेरे घर के इधर लगाओ, वो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो उनसे जरा झगड़ा किया, तो उन्होंने वो प्राजक्त का जो प्लांट था वो सत्यभामा के वहां लगाया। लेकिन जब उसकी टहनिया पूरी कहाँ गई, वो रुक्मिणी के वो साइड में गई, रूम के उधर। और जो फूलों फूलों की जो बरसात है सुबह होती थी, वो रुक्मिणी के घर के आंगन में होती थी, और पेड़ था सत्यभामा के आंगन में। तो ये जो है, ये जो स्टोरी है, ये भी एक अलग हमें निर्देशन करती है इस नक्षत्र के बारे में। तो इसमें प्राजक्त इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नागकेशर भी, दोनों जो प्लांट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दोज कैन बी यूज्ड इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। जैसे पुनर्वसु में वेत नाम का वृक्ष होता है, वेणु या वेत बोलते हैं उसको, तो उसका यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो यूजेस है वो आराध्य वृक्ष के और उसके जो गट है, ग्रुप्स है, उसके किए जा सकते हैं। वो मतलब वहां वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द पॉसिबिलिटीज, हाउ वी कैन यूज। जैसे कि एस्टरडे जो ग्रुप में एक कुंडली डाली थी, जो रेवती नक्षत्र में बहुत सारे प्लैनेट्स थे उसमें, तो वो देखने के बाद में मुझे एक ऐसा थोड़ा सा क्लिक हो गया कि उस व्यक्ति के लिए अगर हम जो मोह नाम का वृक्ष होता है, वो मोह का जो बीज से तेल बनता है, ऑयल बनता है, इफ वी कैन यूज दैट ऑयल, तो उसके खाने में अगर वो ऑयल रखा जाए, उसके दैनंदिन जीवन में वो ऑयल रखा जाए, तो मेरे ख्याल से वो रेवती नक्षत्र का जो निगेटिविटी है वह कम होने में 100% मदद वहां पर मिल सकती है। तो इस तरह से हम नक्षत्र के जो कॉम्बिनेशंस है वो कौन से फॉर्म में और कैसे यूज करने हैं, दैट ये चिंतन का विषय है, और ये हमेशा उस पर चर्चा होगी। तो आगे चलकर उसमें नए नए रास्ते निकल आएंगे। अभी बॉडी पार्ट्स कौन से हैं, तो आर्म्स है, ब्रिस्ट है, किडनीज है, ये विशाखा नक्षत्र में आने वाले हमारे बॉडी के पार्ट्स है, जो कि हाउस कॉम्बिनेशन में भी हमको 7 और 8 ऐसे दिखता है। सर सम नेट प्रॉब्लम यस, देयर वी आर नॉट एबल टू नॉट हियरिंग, हेलो, आवाज इतनी नहीं है, अला माझ्या कडे प्रॉब्लेम होतो अलग का? कैन यू हियर मी ऑल? यस 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 सर, सर यस यस सर, थैंक यू लाउड एंड क्लियर। तो ये विशाखा है जो देवता है, नेक्स्ट तीसरा जो नक्षत्र है गुरु का, विच कम्स इन एक्वारस, 20 डिग्री टू 30 डिग्री इन एक्वारस एंड 0 टू 320 डिग्री इन द पीसेस, मीन राशि। कुंभ राशि में 10 डिग्री आते हैं उसके, और 3 अंश 20 कला कम्स इन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र इन पीसेस, मीन राशि में। तभी पूर्वा भाद्रपदा का जो अगर मीनिंग हम देखने जाए, तो वो क्या है कि पूर्वा मीन्स प्री, प्यारी, प्री पहले ही, भद्रा, भद्रा मीन्स कल्याण करने वाला, अच्छा करने वाला, दैट इज कॉल्ड एज द भद्रा, हितकारक, अच्छा। अभी पीछे ऐसा ये हो गया
कि वो रक्षाबंधन के टाइप जो भद्रा वगैरह आ रहे थे, तो बहुत जन ने ऐसे वीडियो बनाए, कुछ क्या किया, भद्रा भद्रा भद्रा, अभी भद्रा भद्रा करके उसको इतना ये कर दिया, एक प्रोपोगंडा तैयार किया, क्योंकि भद्रा का मतलब होता है कल्याण करना। और किसी भी जो मुहूर्त में जो विशिष्ट दिन आते हैं, तो विशिष्ट दिनों के दिन दिन शुद्धि की देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुहूर्त शास्त्र में लिखा गया है, मतलब एक ऐसा मतांतर है उसमें, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं होता है। जैसे अभी दशहरा जो है वो धनिष्ठ नक्षत्र पे आता है, तो आंख लगाओ वो कि चुप क्या अशुभ है क्या? नहीं है, शुभ है। तो इस तरह से हमें पूर्वा भद्रपदा मतलब पूर्वायुष्य में, मैं तो उनके प्री लाइफ में, शुरुआती जीवन में। गाने हेलो, किसी का तो है, चालू है प्लीज। थैंक यू। तो पूर्वायुष्य में उनके क्या होता है, बहुत अच्छी परिस्थिति होती है, पूर्वायुष्य में कल्याण होता है, मतलब एक मिडल एज तक उनका जो परिस्थिति है वो बहुत ही अच्छी रहती है, और अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी डेवलपमेंट होती है, लेकिन बाद में शायद वो उतनी जो मोमेंटम है, जो स्पीड है उनके डेवलपमेंट की, वो उतनी मेंटेन नहीं रहती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है प्रोसेस। तो ये इस नक्षत्र की विशेषता मानी जा सकती है। अभी ये एक्वारियस में आने वाला जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है, दे आर वेरी पैशनेट एंड फिलोसॉफिकल इन नेचर, तो हमेशा लॉजिकली साइंटिफिकली सोचते हैं, इसके लिए दे आर बिट एक्सट्रीम एंड इंटेलिजेंट, इसके लिए वो थोड़े से एक्सट्रीम लगते हैं लोगों को, तो अपने तत्व के लिए वो अपनी फिलोसॉफी के लिए कुछ भी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि दे हैव सिंपैथी इन द टेररिस्ट ऑल्सो, कि उनके बारे में भी उनको प्यार पनपने लगता है, तो ये उनके नेचर का एक निगेटिव अंग है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो कुंभ राशि के भी बहुत अतिरेकी टेररिस्ट हो सकते हैं, दे उनकी जो फिलॉसफी है उसका अगर ब्रेन वॉशिंग किया जाए, अगर किसी ने किया दूसरों ने, तो वो क्योंकि वो नेचुरली क्या है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्किलफुल, वेरी टेक्निकल, तो इसके लिए ये जो मतलब गुण है वह ये करके उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, उनका ब्रेन वॉशिंग करके शायद उनको टेररिस्ट में भेज दिया जा सकता है। तो वो अपने जो गोल्स है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, वो दे आर वेरी गुड स्पीकिंग एबिलिटी एंड दे कैन बी अ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। कि कुंभ राशि वाले ने जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है, कि गुरु तत्व वाले हमेशा बहुत ही अच्छा बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बोल बच्चन, तो मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हो सकते हैं, दे हैव द वेरी लार्जर एंड लॉन्ग विजन गोल्स इन देयर लाइफ, तो वो एक स्वतंत्र वृत्ति के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और उनमें एक तत्व ज्ञान का एक सयानपन होता है, विजडम होता है, मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, ये सब करने के लिए, उनको अपने आचरण में लाने के लिए और उसको सोसाइटी में बनाए रखने के लिए, वो ओरिजिनली जो एक थॉट प्रोसेस में हमेशा खुद को बनाए रखते हैं, दे आर वेरी वेल्दी, उनके पास पैसा बहुत होता है, बट एक उनकी जो अवगुण है, दे आर अनचैरिटेबल, मतलब वो पैसा कभी दान देते नहीं है, कंजूस होते हैं जरा से, मतलब सभी 100% हो गए ऐसे नहीं, बहुत सारे कंजूस होते हैं, कि कोई कोई भी पैसा खर्च करना इनको बहुत ही कठिन होता है। अभी इसकी जो देवता है, एक्चुअली उसको अजय का चरण देवता ऐसे कहा जाता है,
राज्य का मतलब होता है बकरा, राज्य मीन्स बकरा। तो एक टांग वाला जो बकरा है वह जो दैत्य स्वरूप है, इसका ऐसे स्टोरी है, तो उसको दैत्य स्वरूप वो ये इसमें माना जाता है कि जो रुद्र रुद्र के पर्वत पर से ताल्लुक रखता है। और रुद्र यह कैसी देवता है? शिव की अग्नि स्वरूप देवता रुद्र है। बहुत ही तामसी व्यक्तित्व की है, बहुत ही अग्नि स्वरूप है, इसीलिए यह अग्नि तत्व इनमें भी आ जाता है। इट्स एसोसिएटेड विद द फ्लड्स, स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, नेचुरल कैलेमिटीज, ऑल टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। मतलब इस नक्षत्र में आने वाला जो एक स्टार है वो 29.5 डिग्री के आसपास है, जो कि आपके जीवन में बहुत सारे कैलेमिटीज निर्माण करता है। अगर वह कभी सामुदायिक भाग्य की इसमें भी आ जाएगा तो फ्लड्स आते हैं, जैसे 2005 मुंबई में आया जो फ्लड आया था, तो उस पूर्वा भाद्रपदा के तीसरे चतुर्थ चरण में जो वेद था, सभी ये वेद आपको पता नहीं है, सर्वभद्र वेद उस चरण के ऊपर पड़ रहा था, तो उसके लिए वो नेचुरल कैलेमिटी लेके आया था। तो ये नक्षत्र नेचुरल कैलेमिटी का एक नक्षत्र का बहुत सारा एक भाग उसमें आता है, पर्टिकुलरली 29.5 डिग्री के आसपास, इन द एक्वेरियस, कुंभ राशि में, मीन में नहीं, क्योंकि यहाँ स्थिर तत्व है, इमूवेबल तत्व है। उस राशि का तत्व क्या है? इमूवेबल है। और इमूवेबल में गुरु तत्व आ गया, तो गुरु, तो गुरु को क्या चाहिए? मूवमेंट चाहिए। इमूवेबलनेस क्या करके क्या करेगा? तो मूवेबल चाहिए, वो एक प्रवाहिता चाहिए, तो वो यहाँ उसको मिलती नहीं है, इसके लिए वो वहां कभी कभी निगेटिविटी की तरफ जाता हुआ हम देख सकते हैं, कि दे कैन बी वेरी एंग्री, इंपल्सिव, एंजाइटी रखने वाले, एंड बोलने में बहुत ही हार्श, दूसरों को एकदम टीकात्मक, इतना बुरा बोलेंगे, बस रे बस, ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ, उनको बाद में जाकर थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन क्या फायदा, उनसे लोग बहुत दुखी होते हैं उनके व्यवहार की वजह से, उनके बोलने की वजह से। दे कैन बी वेरी प्योर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज, लेकिन कभी वो अगर सेल्फिशनेस छोड़ेंगे तो स्वार्थ को छोड़े बिना परमार्थ कहाँ मिलने वाला है? आपको अगर परमार्थ चाहिए तो पहले स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, यह इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और शेर इस राशि का एक चिन्ह माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, तो उसके बारे में एक स्टोरी हमने सुनी है शायद, कि भक्त प्रहलाद ये हिरण्यकश्यपु के का पुत्र था, और ये भक्त प्रहलाद पहले से क्या था? वैष्णव भक्त था, वो नारायण 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 हमेशा करता, और हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था, तो वो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, ये देवताओं का नाम ले, जप जाप के करें, तो उसको उसने बहुत तकलीफ देकर मारने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने आके क्या किया? उसका रक्षण किया, भक्त प्रहलाद का। अभी भक्त प्रहलाद का तो रक्षण किया है, तो आपके मन, हमने हमारे मन में ऐसा आता है कि फिर हिरण्यकश्यपु का वध क्यों नहीं किया? क्योंकि हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा वरदान दिया था, उनकी जब उसने बहुत तपस्या की थी, और उस तपस्या करने के बाद में उनसे वो वर प्राप्त किया था कि वह किसी प्राणी से मरेगा नहीं, किसी इंसान से मरेगा नहीं, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न जमीन पर मरेगा न आकाश में मरेगा, ऐसे बहुत सारे उसमें क्लॉजेस डाले हुए थे, लेकिन भगवान भी उससे होशियार होते हैं, वो क्लॉजेस के ऊपर भी उन्होंने कुछ क्लॉजेस रखे हुए होते हैं जो उसे मालूम नहीं होते,
क्लॉज बन के नरसिंह अवतार वहां प्रकट हुए जब उसने एक खंभे को लात मारी, प्रहलाद को कहा कहाँ तेरा भगवान। उसने वो खंभे बोला इसमें भी है, तो उसको लात मारी, तो जैसे ही लात मारी तो वहां से वो प्रकट हुए थे। तो उन्होंने इसके लिए फिर वो जमीन पे भी रखा नहीं, उसको अपने गोद में लेकर उसको फिर ये किया था। तो ऐसी एक स्टोरी है। तो इसके लिए यह सिंह तत्व, लायन का तत्व रखने वाले है, ऐसा भी इसमें एक स्टोरी के द्वारा प्रतीक के रूप में माना जाता है। सो दे आर लायन, शेर, शेर है, उनमें एक पावर है, एनर्जी है, एक जज्बा है जो कि उनको बहुत सारा क्या करता है, यश देता है। अभी इनके बारे में खाली एक निगेटिव बात क्या है कि इनके ऊपर अगर किसी ने बहुत ज्यादा प्रेशर किया तो ये एकदम शेल में चले जाएंगे। इनका फिक्स रिजल्ट है, दे आर वेरी फियरफुल इन सच स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इतना डर जाएंगे, इतना डर जाएंगे कि हम जो जो उन्हें देखेंगे बोलेंगे अरे ये तो कल तक शेर था, अभी ढेर हो गया है। तो उनका जो मतलब आक्रामकता है वो कैसे है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, लेकिन अगर किसी ने उन पर अटैक किया किसी भी तरह से तो दे गो इन टू द शेल। तो उनके मन में जो डर एक बैठ जाता है वो डर बहुत उनका उनको डुबोने वाला हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। दे कैन बिकम वेरी मर्सीलेस एंड क्रूएल, बहुत एकदम क्रूर हो सकते हैं वो। जैसे यार लोगों को लग सकता है कि अरे बाप रे ये कितना क्रूर है, मगरूर है। जैसे राजकुमार जी थे, डायलॉग मारा करते थे ना, जिनके घर शीशे के होते हैं, ऐसे डायलॉग थे ना उनका। वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, वक्त फिल्म का एक डायलॉग, बहुत मशहूर डायलॉग। तो ये राजकुमार जी का जो व्यक्तित्व था वो इस तरह से ही था। ही वाज सो ही मगरूर और एकदम ये थे कि वो किसी को महत्व देने के लिए तैयार ही नहीं हुए थे। लेकिन इसके विपरीत रामकृष्ण परमहंस जी जो प्योर स्पिरिचुअलिटी में थे, हेनरी फोर्ड है, हमारे आज की रेखा जी है, तो रेखा जी का चंद्र का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा, जो कि उनके लिए थोड़ा निगेटिवली काम कर चुका है। अभी बॉडी पार्ट्स कौन से है, तो देयर आर साइड्स ऑफ बॉडी, रिब्स, एब्डोमेन, लेग्स, लेफ्ट थाई, सोल्स ऑफ द फीट, ये सभी जो पार्ट्स है वो बॉडी के आते हैं। अभी ये दो राशि में बटा हुआ नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा जो कुंभ राशि में, एक अलग तरीके से उसको हमें समझना पड़ेगा, और मीन राशि में वो जाएगा तो अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मीन यह एक शुद्ध राशि मानी जाती है, इट्स अ वेरी प्योर राशि। तो वहां पे अगर गुरु तत्व है तो बहुत ही अच्छा, सुंदर और सीधा साधा सात्विक माना जाता है। पीसेस में आने वाला जो गुरु का चरण है, चौथा चरण पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का, वो एक अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि तो मीन राशि ये क्या है, मीन राशि इज कंसिडर्ड एज द सी, समंदर है वो। जैसे कर्क राशि एक नदी है, रिवर है, इट्स अ फ्लोइंग वाटर। और स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ये क्या है, एक जमा हुआ हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है। और मीन पीसेस का जो वाटर है, मतलब तीनों वाटर तत्व तो है लेकिन उनका वाटर अलग अलग है। अगर वृश्चिक को आउटलेट नहीं है, कोई भी जमा हुआ जो पानी है उसको आउटलेट नहीं है, तो वह पानी गंदा हो जाता है, वह किसी भी काम का नहीं रह जाता। सो आउटलेट इज वेरी नेसेसरी इन वृश्चिक राशि। सो आउटलेट इज नथिंग बट द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ देयर इमोशंस, थॉट्स, थिंकिंग, फिलोसॉफी, एवरीथिंग, इमोशंस, एवरीथिंग।
तो उसको एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हर नक्षत्र का हमने आज जुपिटर के विचार किया, उसको जानने की कोशिश की, उसके स्ट्रेंथ्स देखे, वीकनेसेस देखे, और अभी ये पूर्वा भाद्रपदा का जो वृक्ष है, आराध्य वृक्ष है, वो मैंगो है। तो मैंगो के कॉम्बिनेशंस इससे रिलेटेड कुछ डिसीजेस को यूज करेंगे तो बेहतर हो सकता है। और मैंगो से जुड़े हुए, मतलब मैंगो या साउथ ईस्ट वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो ये साउथ ईस्ट तत्व का वृक्ष है, अग्नेय का, अग्नि तत्व वाला है। जैसे प्राजक्त है वो पश्चिम तत्व वाला हो सकता है, पुनर्वसु यह नॉर्थ ईस्ट ईशान्य तत्व वाला है। मतलब वास्तु में भी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कैसे कहाँ और कैसे होना चाहिए, कौन सा तत्व कौन रखता है। पुनर्वसु में जल तत्व है, फिर विशाखा में एक अलग तत्व है, फिर पूर्वा भाद्रपदा में अलग तत्व है, वृक्षों में भी। तो उनके गट करके हम उसको समझ सकते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ रेमेडीज इन अवर लाइफ। मतलब उनके सिर्फ आपके पास रखने से, आपसे जुड़े हुए रहने से भी अत्यंतिक लाभ उसमें होते हैं। तो अर्थ तत्व का है तो पैसे के पीछे ज्यादा भागने वाला ऐसा ये नक्षत्र है, ऐसा हम कहेंगे। यस सर। तो वी हैव सीन थ्री नक्षत्र ऑफ जुपिटर टुडे। सो वी हैव कंप्लीटेड 21 नक्षत्र सो फार, ओनली सिक्स नक्षत्र आर रिमेनिंग ऑफ द सैटर्न एंड मर्क्यूरी। थ्री सैटर्न्स थ्री मर्क्यूरी। यस और देखते देखते हमने 21 नक्षत्र आज कंप्लीट किए हैं। दिस इज अ यस सर। वेरी शॉर्ट एक्चुअली डिस्क्रिप्शन विच आई एम गिविंग हियर नाउ, बिकॉज नक्षत्र इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एक्चुअली, बट विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड ऑल, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो आई एम मेंशनिंग दोज स्टोरीज इन नक्षत्र। थैंक यू सर, ओवर टू यू। Yes, sir. Thanks a lot. We wanted it to be short, sir, because the more we complicate it, the more it becomes difficult for us to understand. Because I was always insisting for logical explanation, so that is what we are able to understand from you, sir. So, to brief. For those who don't know Hindi and for our medical students, just share my screen one moment. In 10 minutes, I'll just brief it. Okay. So today was Nakshatra series 7. So first we found out nakshatras which were present in Gemini, Libra, and Gemini Cancer, Libra, Scorpio, and the last was Aquarius and Pisces. So please change it to Aquarius and Pisces in the last. This is Aquarius and Pisces. Purvabhadra. So Punarvasu Nakshatra, very important for us as doctors. So when we consider diligent remedy, conscientious remedy, think about Punarvasu Nakshatra. So moralistic, like what sir has told, extremely successful. So the rubrics which we'll be using will be conscientious, diligent, extremely moral. So that medicines like Aurum, we can think about medicines like silica,
और ऑल डिलीजेंट रेमिडीज विल कम अंडर पुनर्वासो. सो दिस विल बी एन एलिमिनेटिंग सिम्टम फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ देर वुड बी टू डिफरेंसेस. वन इन जेमिनी इट वुड बी स्यूडो डिलीजेंसी एंड व्हेन इट कम्स टू इन कर्क राशि इट वुड बी 100% डिलीजेंसी. सर वन क्वेश्चन आउट हियर, एक पूछना था कि जेमिनी में ही मे नॉट बी सो मॉरलिस्टिक राइट बिकॉज ही इज अ सेल्समैन. मर्क्यूरी एंड जुपिटर विल बी देयर टुगेदर. नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट. एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द हेवन, एंड दैट हेवनली ओके कॉम्बिनेशन इज बिटवीन द 20 डिग्री टू 22 डिग्री इन मिथुन राशि, इन जेमिनी. मिथुन राशि. हाँ, ओके मतलब हेवन जो स्वर्ग का महाद्वार है ना, जिसे हाँ प्रवेश हाँ द्वार कहा जाता है, दैट इज एक्चुअली इन 20 डिग्री मिथुन टू 22 डिग्री, दैट इन दैट स्पैन दोज टू ओके ट्वेंटी सिक्स स्टार्स आर कमिंग. ट्वेंटी हाँ, ओके सो सिज हेवनली. सो इवन हियर मिस वी वी कैन से दैट ही विल बी वेरी मॉरलिस्टिक. ही विल बी वेरी मॉरल इवन दो इट इज जेमिनी. या अच्छा ओके बिकॉज बिल गेट्स एग्जाम्पल सर आपने विच यू टोल्ड ही इज नॉट अ मॉरलिस्टिक पर्सन. मीन्स ही यूज दैट एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन टू अर्न मनी एंड ही यूज टू कॉपी पेस्ट बट द ही स्पेंड ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक. बट ही स्पेंड फॉर चैरिटी ऑल्सो. दैट इज नाउ इफ यू सी ही इज आफ्टर ही गॉट ऑल द मनी he started spending on charity because this I have read his biography of Steve Jobs and Bill Gates. Both of them, Steve Jobs always got that respect in that community. Yes. Even though Bill Gates was more richer or more successful, this Windows were more successful as a operating system, but the respect always went to Steve Jobs. So that was the story between them. So that is why I was wondering about Gemini. So he must be out of this 22 degree, must be somewhere out. And I think so in Cancer, sir, it must be very good, right, sir? Cancer, yes. 100% we can say that he'll be extremely the purity of moralistic. Emotions comes there. Ek shuddha tatwa aa jata hai. Emotions. एक शुद्ध तत्व आ जाएगा कैंसर में. बट देन ओनली 3 डिग्री 20 मिनट्स. सो इट इज ओनली वन पादा. वन ओनली वन पादा. व्हाइल इन मिथुन इन जेमिनी वी हैव गॉट 3 आउट ऑफ 4. 3 आर इन जेमिनी एंड ओनली वन इज इन कैंसर. सो कैंसर आई थिंक सो शुड बी रेयर एंड सो इट शुड बी मोर हेवनली. So and as sir told that Punarvasu Nakshatra, they give two lives. So very important for us. So if a cancer patient or any serious patient or a heart patient or a coma patient, if we see in Prashna Kundli, Punarvasu Nakshatra, if it is coming up, or in his Jatak Kundli, if Punarvasu Nakshatra is coming up, we should definitely go for that case and chances of recovery could be more. Right, sir? Asa hu shakta? Will it yes, be yes, possible? Yes. So, whenever so there is a Punarvasu Nakshatra in ruling in LSRD, it is possible, always possible. It is always possible because we are using this concept, especially in serious cases, like even in coma patients, and then we don't know whether the patient will come out or not. So we can use this concept. So if Punarvasu Nakshatra ascendant or in LSRD, which sir will teach in details, if it comes up in Prashna Kundli, then 101% we should try or we should go 100% to that to cure the patient. So this is about Punarvasu as far as medical. If we consider the regenerative ability now, Jupiter sir is also related to liver, right, sir? Yes, yes. Liver so fats, liver fats and all. So cirrhosis of liver will be another condition, and when we see Punarvasu Nakshatra, I have got many cases of cirrhosis. Now I'll have to go back to these cases and to see if they are having Punarvasu Nakshatra who have come out. Means their livers have started regenerating because of homeopathic medicine. Means patients who are on
ascites, मतलब who had degenerative diseases, who were on the death bed, they have come out. So I'll definitely see if they are in Punarvasu nakshatra or if their ascendants are there. So Lord Ram, yes, of this nakshatra, so very important. Like sir said, Aditi, who is the mother of all devas, she's the mother of the devas. So we saw about restore and rehabilitation, like what we have discussed right now. So people who are changing, who have rehabilitated themselves, again we can consider this nakshatra. So can we consider in addiction cases, suppose if Punarvasu is there, then chances of him coming out of addiction could be good if we have got Punarvasu nakshatra. We can consider that. So this would be one more role which we can think about. Then we have got Vishakha nakshatra. Vishakha, one part is in Tula Rashi or Libra. Second part would be in Scorpio. Tula would be a positive Rashi in this case because it's a windy sign and Jupiter gets that expressive ability. So I think so they can, because it is seventh house, Libra, so they'll be ambitious, they'll be competitive in nature, they'll be 100% devoted. So they can be spiritual gurus, right, sir, in Vishakha nakshatra because it is They may exhibition be, again. maybe. Maybe. Okay, because we हाँ have got Jupiter and उनके Venus. Venus combination out here. अंदर So Indra, Agni, and they are goal oriented. But then in Scorpio, then the problem is Jupiter does not get an expression. So we have stagnancy out here, and Jupiter basically hates secrets. Or we can say of a guru who doesn't share his secret. So that we could think about Scorpio. So here we can have lot of diseases which could be related to uterus, or we can think about tumors which are related to uterus, which are related to rectum, which are related to private parts. So rectal cancer, especially benign cancers, we can think about Jupiter or Vishakha nakshatra in Scorpio. So then we have got Purva Bhadra nakshatra. So in Aquarius, it would be syphilitic. Syphilitic means destructive type of a nakshatra out here. Extreme. So the extremes can be cruelty or the extremes can be extreme sympathy. Means, we can have two polarities. In Aquarius, the one of the most important drug I feel for homeopaths, it would be anacardium out here. This one is a devil, one is a saint. There are two things which are present, and because it is a Saturn's nakshatra, so again it can be revengeful, and they can be extremely contemptuous, or they can look down upon people. You can think about Platinas also out here as far as Aquarius is concerned. And when it comes to Meen Rashi, extremely positive. But again, Meen Rashi, you have got only one factor, means out of four padas, only one pada is present in Pisces. So here Jupiter gets the ability to express himself. Sir, one thing about Pisces. It is a dual sign and means it represents two fishes going in opposite direction. So there could be confusion out here in Pisces, even though Yes, it is Jupiter. confusion is there. So we can think about confusion also, but then they will be noble, they will be diligent. They are more defensive in the crisis. So there will be defense in crisis because it's a water element, so they will be mild in nature. Comparatively. Yes. So they say na, that females, if they are from Kirk or Meen Rashi, that is the best. This adaptability or yielding personality are present in both these Rashis. They can adapt very easily. So the only thing which what's quite prominent, that they are fearful
and stressful means they tend to collapse, I think so, under pressure. So we have drugs like gelsemium or paralytic drugs or opium. We can think about this nakshatra in Meen Rashi. So this will be for homeopaths. Then Rajkumar, again Aquarius, extremely egoistic person, extremely contemptuous person. He never regarded anybody else and he had the style in him. So that is Aquarius. So this is to summarize what sir has taught us today. Anything, sir, which is wrong or I may might not have interpreted it properly, anything which you want to Excellent, change in my excellent, state? excellent interpretation. Very good. Yes, sir. Thank you, sir. I think so we are going in a very positive direction. We are combining a traditional approach and a modern and medical approach. So these things are going extremely well. And like what I had told you all, what took me 10 years, you are able to get in this lecture series, which I had to put in a lot of effort. And sir is giving it in a very easy form for us. And we are really blessed to have him. And we are looking forward to the KP series, in which we have got excellent response. And again, I want to tell you, just ask your friends or colleagues to join this lecture series. Because I used to go all the way to Mulund, like I told you all, on Sundays, and half of the thing was not important to us. So sir is really working very hard and giving us what exactly which we want, and the practical aspects we are able to interpret. Otherwise, he can talk on one nakshatra for nearly 2 to 3 hours, but which may not be related to us. So thank you, sir, again for your So excellent much. comprehension of the topic, and we look forward to KP series. Thank you, sir. Sure. We'll stop here. Thank you. Yeah. Thank Thank you, you. all of you, and Thank you, good sir. night. Thank you, sir. Good night.